हेलो एवरीवन दिस इज डेली एमसीक्यूज फॉर प्रैक्टिस वीडियो नंबर 21 एंड बिफोर वी स्टार्ट आई वांट टू से इफ यू वांट द पीडीएफ्स ऑफ ऑल द स्लाइड्स एंड सम एक्स्ट्रा मटेरियल्स देन यू कैन डोनेट टू 7764869624 जितना आप डोनेट करेंगे उसी के अनुसार आपको मटेरियल शेयर होगा मैं बोलूंगा आप डोनेट कीजिए क्योंकि आपको टेस्ट सीरीज का जो सोल्यूशन है उस डॉक्यूमेंट की बहुत बड़ाई हो रही है उसमें टोटल फोर्टी क्वेश्चन हैं लेकिन 40 क्वेश्चन के अलावा 14 टू 4 बोल दीजिए फैक्ट्स आपको जानने मिलेंगे तो लगभग 120 से 160 ऐसे नई बातें मिलेंगे जिसके चांसेस हैं आने के तो उसको आप ले सकते हैं हमारा मोटिव यही है इफ यू विल डोनेट टू अस वी विल इंश्योर वी विल डू आवर बेस्ट विच वी कैन डू फॉर यू नाउ कमिंग टू दिस सो आई हैव प्रिपेयर्ड अ मटीरियल स्पेशली फॉर टेस्ट जो यूपीएससी का होता है उसमें थोड़ा ज्यादा होता है तो उसको मैंने हटा दिया है और टिस्ट के लिए जितना रिलेवेंट है उतना मैंने डांस का मटेरियल बना दिया है मैं वीडियो बनाऊंगा थोड़ी देर में आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम कुछ रिविजन करेंगे हम कुछ पर्सनैलिटीज को देखेंगे जो की न्यूज में थे और क्यों न्यूज में थे ये समझेंगे आप भी इनको देखिए और सोचिए आपको क्या याद आ रहा है सो बेसिकली सोभन नायडू मैंने पहले बहुत बार डिस्कस किया है क्यूँकी ये इम्पोर्टेंट है ये कुचिपुड़ी की डांसर थी जिनका डेथ हो गया तो हो सकता है इस पे क्वेश्चन आए उसके बाद पंडित जसराज जो थे उनका भी डेथ हुआ था तो इन पे शायद ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं ये हिंदुस्तानी वोकलिस्ट थे और हवेली सिंगिंग एक चीज होता है हवेली सिंगिंग उसको इन्होंने पॉपुलराइज किया था और ये किस घराने से थे ये मेवाती घराने से थे ठीक है विमल पटेल क्यों न्यूज में है क्योंकि इन्होंने डिजाइन किया है क्या हमारा जो नया पार्लियामेंट बन रहा है बिल्डिंग उसको स्वाम्या स्वामीनाथन थोड़ा मतलब ये पुराना न्यूज है लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि डब्ल्यू अभी न्यूज में है तो डब्ल्यू एच की चीफ साइंटिस्ट हैं सोम्या स्वाथ उसके बाद आता है जावेद अख्तर इनको एक प्राइज मिला है कौन सा प्राइज मिला है रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड वो किसको दिया जाता है जो रैशनलिज्म और सेकुलरिज्म की बात करता है या एथम की बात करता है अशोक लवासा जो है वो पहले हमारे इलेक्शन कमिश्नर थे वन ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर थे लेकिन उन्होंने रिजाइन कर दिया और अभी वो एडीबी जो बैंक है एशियन डेवलपमेंट बैंक उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं जीसी मुर्मू जो है वो दो बात के लिए इम्पोर्टेंट है पहला कि वो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जम्मू एंड कश्मीर के और दूसरा कि वो पहले ऐसे ट्राइबल हैं जो कि सीएजी के पोस्ट पे अपॉइंट हुए हैं यानी कि सीएजी बनने से पहले वो जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर थे ये बात भी इम्पोर्टेंट है अब आता है जी रोहिनी कमीशन या जी रोहनी जस्टिस जी रोहनी जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट में थी इनका एक कमीशन अपॉइंट हुआ है सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी के लिए तो इस तरह जो रैंडम नाम है ना रैंडम नाम आप भी लिखिए और देखिए आपको कितना याद है मेमोरी कितना है आपका उसके बाद आज का हम देखेंगे पहला बोलता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू अब चूंकि आप लास्ट ईयर अगर क्वेश्चन देखिएगा तो बार 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 एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो कौन सा टॉपिक है उससे रिलेटेड है ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पहला बोलता है मरकरी पॉइजनिंग जिससे कि मीनामाटा कन्वेंशन रिलेट करता है सी बोलता है बेनिफिट शेयरिंग टिक रिसोर्सेज इससे नगोया प्रोटोकॉल डील करता है नगोया प्रोटोकॉल जो है वो सीबीडी के अंदर आता है यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और डी बोलता है माइग्रेटरी एनिमल्स के लिए उसके लिए एक अलग कन्वेंशन है जिसका नाम है बॉर्न कन्वेंशन या फिर कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज जो कि गांधीनगर में हुआ था पिछले साल तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ओजोन लेयर प्रोटेक्शन उसके लिए पहले वियना कॉन्फ्रेंस होता है और बी कॉन्फ्रेंस के बाद जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन होता है जिसमें सी जो होता है उस पर बैन लगाया जाता है क्योंकि उससे सबसे ज्यादा डिप्लीशन हो रहा था नाउ दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग कि हु इज द ऑथर ऑफ द द बुक कॉमनवेल्थ ऑफ द क्रिकेट कॉमनवेल्थ ऑफ द क्रिकेट जो है एक बुक है इसके ऑथर कौन है पहला बोलता है राहुल द्रविद दूसरा बोलता है हर्ष भोगले तीसरा बोलता है रामचंद्र गुहा और डी बोलता है मयंती लांगर अब देखिए पहला जो ऑप्शन है ना वो इम्पोर्टेंट है किसी और बात के लिए यानी कि राहुल द्रविड़ जो है वो कोच हैं जूनियर टीम के इंडियन जूनियर टीम जो है उसके कोच हैं तो अभी जो इंडियन टीम यहाँ ऑस्ट्रेलिया में जाकर टेस्ट मैच जीती है ना तो बहुत कोई क्रेडिट राहुल द्रविड़ को दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने उन सारे खिलाड़ियों को कोच किया था तो ये हो सकता है इंपॉर्टेंट पूछ दे कि हु वे द कोच ऐसे करके उसके बाद बी जो है वो बोलता है हर्षा भोगले तो हर्षा भोगले हैं कौन हर्षा भोगले कमेंटेटर है क्रिकेट के लेकिन उन्होंने ये बुक नहीं लिखा है तीसरा बोलता है रामचंद्र गुहा जिन्होंने एक बहुत फेमस बुक लिखी है इंडिया आफ्टर गांधी तो वो मैंने सारा पढ़ा हुआ है बहुत मोटा बुक है उस आंसर होगा रामचंद्र गुहा यानी कि द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट जो है उनके द्वारा लिखा गया है इससे पहले भी वो क्रिकेट पे बहुत सारा बुक लिख चुके हैं और जो लोधा पैनल बैठा था क्रिकेट के ऊपर पैनल के अनुसार एक जो कमेटी फॉर्म हुई थी उसमें इनको एक मेम्बर बनाया गया था डी बोलता है महत्ति लांगड ये भी एक कॉमेंटेटर हैं फीमेल है उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन की आरी बाडा आरीबाडा में डबल आर होगा आरीवाड़ा इज अ टर्म फॉर द मास नेस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग तो मासडा में होता यह है एक एनिमल होता है वो माइग्रेट करता है सी के थ्रू और एक कोस्ट पे आता है वहां पे अपने एग को ले करता है और ये एक की संख्या में नहीं करता है ये करोड़ों के संख्या में करता है ठीक है तो किससे ये रिलेटेड है तो जैसे मैंने बोल दिया कि लाखों करोड़ों में करता है तो घरियाल तो नहीं होगा अच्छा घरियाल और एलिगेटर में क्या अंतर है ये थोड़ा आप देख लीजिएगा घड़ियाल जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ एलिगेटर है उसके बाद बी जो है हॉर्नबिल हॉर्नबिल भी नहीं होगा हॉर्नबिल क्या है एक चिड़िया है जो कि नागालैंड में पाई जाती है वेस्टर्न घाट में भी पाई जाती है नाराकुंड में भी पाई जाती है जो कि अंडमान निकोबार का पार्ट है उसके बाद सी बोलता है ऑलिव रिडली टर्टल दिस विल बी द आंसर और ग्रेट इंडियन पोस्टर्ड जो है वो भी फेमस है क्यों बिकॉज जो सीमेंस हुआ था उसका जो जो मैस्कॉट था वो भी इसके ऊपर था गिरबी करके उसका नाम था अब ओलिव रेडली टर्टल के बारे में जानते हैं कि ये उड़ीसा का गंजम कोस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी से कुछ साल पहले जो हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ था उड़ीसा में उसका जो मैस्कॉट था वो भी इसके ऊपर नेम्ड था उसका नाम था ओइली ओलिव रिली टर्टल जो है वो बेसिकली आता है कहाँ पे उड़ीसा में कहा पे आता है उड़ीसा में गंजम कोस्ट और वहां पे आरीवाड़ा होता है इन लोग का यानी कि ये बहुत दूर तक ट्रैवल करके यहाँ पे पहुंचते हैं और मास नेस्टिंग करते हैं जिसको एरे बोलते हैं उसके बाद है सेवेंटी नाइन ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ए पी एम सी एक्ट वॉज पास बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू स्टेबलिश मंडीज वेयर फार्मर्स कैन सेल देयर प्रोड्यूस एपीएमसी स्टैंड फॉर एपीएमसी एक्ट बहुत पहले लाया गया था और बाद में स्टेट गवर्नमेंट जितनी है उन्होंने इन किया था तो इसके तहत क्या होता है एक फार्मर जो है एक मंडी में जाके अपना सामान बेचता है फिर मंडी से वो कहीं और बिकता है तो ये मंडी सिस्टम जो है इसके थ्रू लाया गया था अभी जो न्यू फार्म बिल लाया गया है उसमें है कि आपको जरूरी नहीं है कि आप मंडी में बेचिए आपको जहां अच्छा प्राइस मिले वहां बेच सकते हैं तो पहले था कि आप सिर्फ मंडी में बेच पाएंगे अभी है कि आपको फ्रीडम है आप जहाँ चाहे वहां बेच सकते हैं लेकिन क्या ये फार्मर्स के हित में है या नहीं है जब आप जहाँ चाहे वहां बेच पाइएगा अगर वैसा हो जाएगा तो उनका कॉस्ट जो है ना बार्गेनिंग करते करते कम हो जाएगा मंडी में क्या था कि एक एमएसपी टाइप का सिस्टम था कि आपको मिनिमम कॉस्ट मिलेगा कम से कम इसका फुल फॉर्म फूटता है सी का फुल फॉर्म क्या होगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूज में है प्रोटेस्ट हो रहा है तो हो सकता है कोई क्वेश्चन पूछ दे तो पहला बोलता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एट मिनिमम कॉस्ट एग्रीकल्चरल प्राइस मार्केट कमीशन देन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी एंड एग्रीकल्चरल पोटेंशियल मिनिमम कॉस्ट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी यानी कि सी आंसर हो जाएगा ये इंपॉर्टेंट है बाकी सब मत पढ़िए। इस पर ध्यान दीजिए एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी दिस विल बी द करेक्ट आंसर नाउ कम टू नेक्स्ट ये बोलता है फर्स्ट इंडियन टू परफॉर्म एट द यूनाइटेड नेशंस ये कौन थी या कौन थे इनमें से आपको चूज करना है तो पंडित रविशंकर पहले नहीं थे ए आर रहमान भी पहले नहीं थे लता मंगेशकर भी पहले नहीं थी कौन थी एम एस लक्ष्मी तो ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं ये को, ये ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं तो आ सकता है उसके बाद हु इज़ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सारे जो ऑप्शन है ना ए बी सी एंड डी सारे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो पहला बोलता है डॉक्टर टेड्रोस अटानोम तो आप सबको पता होगा कि ये डब्ल्यू एच ओ के डायरेक्टर जनरल है तो डब्ल्यूएचओ का डायरेक्टर जनरल ये भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि अभी डब्ल्यू एच ओ न्यूज में है तो आपको पता होना चाहिए डॉक्टर टेड्रोस हैं उनका फोटो शायद आप सबने देखा होगा अभी तक बी जो है वो बोलता है एंटोनियो गुटेरेस जो कि सही आंसर है इसका लेकिन डेविड मालपास कौन है ये भी पता होना चाहिए ये वर्ल्ड बैंक के एमडी हैं और क्रिस्टिना जॉर्जिवा जो, जो है वो आईएमएफ की है फिर से आप देख लीजिए और इसको लिस्ट को मतलब लिख लीजिए कहीं पे और याद कर लीजिए डॉक्टर टेड्रोस डब्ल्यू एच ओ एंटोनियो गुटेरेस जो है यूएन के हैं डेविड मारपास वर्ल्ड बैंक के हैं और क्रिस्टेलिना जॉर्ज जो है वो आईएमएफ की है और गीता गोपीनाथन भी जो है वो चीफ इकोनॉमिस्ट है आई एम एफ में ठीक है दिस इज इंपॉर्टेंट नाउ कमिंग टू दिस वन द मनहटन प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग पहला बोलता है बिल्डिंग ऑफ मेगा वॉल बिटवीन यूएस एंड मेक्सिको जो कि ट्रम्प का सपना था लेकिन वो सपना ही रह गया बी है वो बेसिकली इलेक्शन जीतने के लिए था बी है आर एनडी प्रोजेक्ट टू डेवलप फर्स्ट एटम बम सी बोलता है प्रोजेक्ट टू लैंड फर्स्ट मैन ऑन मून डी बोलता है इंफ्रा प्रोजेक्ट टू प्रिवेंट मैन फ्लडिंग ड्यू टू राइजिंग सी लेवल ठीक है तो इसका जो आंसर होगा वो आर एनडी प्रोजेक्ट टू डेवलप द फर्स्ट एटम बम और इसी के तहत जो है पहला एटम बम बनाया जाता है बाद में वो गिराया जाता है और पहला एटम बम जब बनता है जब फुटता है तो बहुत इंटरेस्टिंग मतलब कहानी है उसकी अगर आपको टाइम होगा तो पढ़ लीजिएगा अब है कि एटी थर्ड ये बोलता है अमूर फाल्कन इज अ माइग्रेटरी रैप्टर रैप्टर मतलब क्या होता है एक ऐसा बर्ड जो कि प्रे पे फीड करता है उसको रैप्टर बोलते हैं विच माइग्रेट्स फ्रॉम मंगोलिया मंगोलिया कहाँ है चाइना के ऊपर टू साउथ अफ्रीका ठीक है वो मंगोलिया से उड़ता है और साउथ अफ्रीका पहुंचता है एक जगह रुकता है वो इन इट्स वे इट रेस्ट इन अ पर्टिकुलर स्टेट और अ पर्टिकुलर प्लेस उसके आसपास रुकता है तो वो कौन सा प्लेस है पहला बोलता है तमिलनाडु दूसरा बोलता है राजस्थान तीसरा बोलता है नागालैंड चौथा बोलता है केरला तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नागालैंड नागालैंड और थोड़ा पार्ट ऑफ मणिपुर आप बोल सकते हैं वहां पर रुकता है लेकिन ज्यादातर नागालैंड में रुकता है ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पिछले साल जो है सीएमएस यानी कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज साइन हुआ था मतलब सी ओ पी हुआ था सी ओ पी थर्टीन गांधीनगर में जो सीएमएस है उसको बॉन्ड कन्वेंशन भी बोलते हैं और इसका जो थीम था वो था माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट द प्लानिट एंड वी वेलकम दिम होम और यहाँ पे फोटो आपको दिख रहा होगा ये मंगोलिया है मंगोलिया से ये चल के आता है नागालैंड में और नागालैंड से फिर जाता है साउथ अफ्रीका में सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे